बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की रागिन है कवाट वर्तिया वैराग जी की न फसन संसार में घुमन झंग झर घाट पाए जाती पाण में सन जोत लाट खोले ख्याल कपाट त्यों पाएन शांति सुख। त्यों पाएन शांति सुख। त्यों पाएन शांति सुख। दर्वेशन आतक वर्तो देश अगम मजो सत जानन हिक आत्मा ब्यो सब झूठो जग भरे प्रेम सा पग राम तेऊ मिले आराम सा। वैरागिन हिक वाट वर्तिया वैराग जी। वैरागी सतपुरुषों ने वही राह पकड़ी है जो संसार की आसक्ति से दूर करती है। उस राह पे चल के सांसारिक आसक्ति का त्याग करके ईश्वर से अनुराग करके कीन फसन संसार में घुमन झंग जड़ घाट संसार में रहते हुए भी सैलानी बन के सैर करते हुए वो संसार में फंसते नहीं पाए जाती पाण में दिसन जोत ललाट अपने अंतर में ही झाती पा करके झांक करके उस परमात्मा की ज्योति का वो दर्शन करते हैं। खोले ख्याल कपाट टेहूं पायन शांति सुख। ख्याल रूपी खिड़की खोल के अपने अनुभव रूपी खिड़की खोल करके उस परम आनंद परम शांति और परम सुख को वो संत वैरागी प्राप्त करते हैं। दर्वेशन आदग वर्तो देश अगमजो। दग का अर्थ है राह रस्ता। उन दरवेशों ने संत महापुरुषों ने अगम देश जहाँ पे मन बुद्धि वाणी की पहुँच नहीं इसलिए उसे अगम कहा गया उस देश पर जाने का रास्ता उन्होंने खोज लिया मार्ग खोज लिया। सत्य जानन हिक आत्मा ब्यो सब झूठो जग। आत्मस्वरूप को ही सत्य जानते हैं संसार को मिथ्या जानते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन बाकी कुछ भी संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं केवल आत्मा ही सत्य है। भरे प्रेम सा पग टेऊ मिलिया राम सा। कदम बढ़ा करके प्रेम के साथ भावना के साथ
परमात्मा से वो सतपुरुष मिल गए, उनको प्राप्त कर लिया। ईश्वर की प्राप्ति करके दुख संशय भ्रम सब उनके छूट गए। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी
सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।